नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री आदिदेवाय नमः। मेघज न्यूज़ पे ज्योतिष पढ़ने के क्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने अभी तक के सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना, पढ़ा, रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, उसको आगे समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पिछली ही सारी एक्चुअली देखा जाए तो ज्योतिष की पढ़ाई अब कम्प्लीट हो चुकी है। अब उसकी डिटेलिंग हो रही है और इंटरप्रिटेशन करने के तरीकों पे बातचीत होगी। आज हम लोग शनिदेव के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे और कल बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। परसों हम लोग यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक रिवाइज करने का सेशन रखेंगे, जिसमें कि मैं अभी तक जो पढ़ाया है अपनी कुंडली को ब्रॉड लेवल पे देखना और समझना कैसे शुरू किया जाए। तो चलिए आज शनिदेव के बारे में बात करते हैं। देखिए शनिदेव, जब भी अब मैं कोई भी बात करूं तो आपको पिछली कुछ बातें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। जैसे शनिदेव के बारे में बात किया तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? शनिदेव की राशि है मकर और कुंभ, शनिदेव की उच्च राशि है तुला, नीचस्थ राशि है मेष, ठीक है ना? और शनिदेव शुक्र और बुध के साथ फ्रेंडली हैं, है ना? देखिए फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स पे मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन में काफ़ी सारे विरोधाभास देखे हैं। कोई किसी का शत्रु या मित्र नहीं है, सबके अपने अपने स्वभाव हैं और उनके हिसाब से ही एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है। भावों के बारे में रिवीजन आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब शनिदेव के प्लैनेट पे बात करेंगे, क्योंकि शनिदेव का एक पूरा गोचर वो 30 साल का होता है, 12 राशियों का करीब 2.5 से 3 साल का गोचर होता है एक राशि में। तो जो शनिदेव को लेकर ज़्यादातर जो वोकैबुलरी दिमाग में आती है वो क्या क्या आती है कि शनिदेव शनि की 7.5 और शनिदेव की 2.5। 7.5 क्या होती है आप समझ लीजिए, जो हम लोग के बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, जो कि उसको गीता कुरान या बाइबिल की तरह ज्योतिष में माना जाता है, उसमें लिखा है कि चंद्र जैसे एक राशि पहले जब शनिदेव आ जाते हैं तो 7.5 शुरू होती है। मान लीजिए चंद्र आपकी कुंडली में 10th हाउस में है, तो जब शनिदेव 9th हाउस में आएंगे तो 7.5 शुरू होगी, फिर पहली 7.5 होगी, फिर सेकेंड हाउस में आएंगे तो दूसरी 7.5 होगी, दूसरा 2.5 साल, और फिर 7.5 साल का तीसरा 2.5 साल जब थर्ड हाउस में होंगे। जब पहले में आते हैं तो गर्दन से ऊपर तक मतलब दिमाग को असर करती है, दिमाग को रिफाइन करती है, ठीक है? जिस ज़्यादातर जब क्लीनिंग होती है तो पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो होगा ही जब क्लीनिंग होगी। तो जब चंद्र के ऊपर से आते हैं तो दिल पे आती है घबराहट सी, बेचैनी सी, और दिल की क्लीनिंग, तो जो लोड को ऑफलोड करते हैं। और जो तीसरी 7.5 होती है वो पैर पे होती है, ज़्यादातर लोगों के पैर में चोट लगती है या पैर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चलना, यात्राएं, ट्रैवल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये 7.5 की बात हो गई। मैंने ये देखा है कि जैसे 7.5 10th हाउस से है तो 9th, 10th और 11th को शनिदेव सेटल करते हैं, वैसे ही किसी भी भाव से शनिदेव 2.5 साल आगे पीछे जब होते हैं तो उसकी 7.5 वर्क करती है। जैसे लग्न से 12th हाउस में, 1st हाउस में यहाँ होंगे तो लग्न से 7.5 मानी जाएगी, 5th हाउस से एक राशि आगे पीछे होंगे तो 5th हाउस की 7.5 मानी जाएगी। 7.5 मतलब 7.5 साल, 2.5 + 2.5 + 2.5। दूसरा टर्म यह आता है कि चंद्र या लग्न से जब 7th हाउस में शनि आते हैं तो उनको कंटक शनि बोला जाता है। कंटक शनि मतलब कांटा। तो जब चंद्र से या शनि से लग्न से जब 7th हाउस में शनिदेव आते हैं तो उन 2.5 सालों में ऐसा कुछ होता है कि जातक लंगड़ाने लगता है। अब लंगड़ाने का प्रैक्टिकल सेंस पैर से लंगड़ा होना ही नहीं है, लाइफ स्लो हो जाती है। बहुत कुछ ऐसा पिछले उसके पहले के गोचर में हम लोगों ने किया होता है जिसका पे बैक वहां। देखिए बेसिकली शनिदेव इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस,
शनिदेव इज अ प्लैनेट ऑफ स्ट्रक्चर, शनिदेव इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, शनिदेव इज अ प्लैनेट ऑफ एनीथिंग विच इज रिपीटेटिव, ठीक है ना। तो कंटक शनि होते हैं, जब चंद्र से सेवेंथ हाउस, चंद्र यहां है तो जब यहां पे होंगे, यहां है तो यहां पे होंगे। और तीसरा टर्म होता है ढैया शनिदेव की। ढैया कैसे होती है, जब चौथे और आठवें में शनिदेव होते हैं तो वो ढैया मानी जाती है। ढैया मतलब ढाई साल। भाई चौथे में क्या होता है, चौथी राशि किसकी है, कर्क राशि है, घर का भाव है। तो घर देखिए, शनि देव के आप ये साढ़े साथी और ढैया और कंटक के सारे टर्म्स जान लीजिए एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, मगर प्रेडिक्शन में भूल जाइए, डू नॉट यूज इट, इट विल नॉट, इट विल लीड यू ओनली टू अ फियर साइकोसिस, इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू इनटू एनी करेक्शन और प्रेडिक्शन। करेक्शन में, ये प्रेडिक्शन में क्या काम आने वाला है कि शनि देव जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित चीजों को व्यवस्थित करके, ऑर्गेनाइज करके अगले 30 साल के लिए दुरुस्त कर देते हैं, चाक चौबंद कर देते हैं। जो कांटा वहां पे होते हैं, कांटे को निकाल देते हैं। अब कांटा निकालेंगे तो खून भी बहेगा, दर्द भी होगा, पट्टी भी होगा, मगर ये निश्चित है कि शनिदेव जिस जिस भाव में जाते हैं और जब छोड़ देते हैं, अभी ऐसे मान लीजिए शनिदेव मकर में चल रहे हैं अभी आजकल, तो मकर मिथुन के लिए हम मान लीजिए, अगर देखा जाए तो मिथुन के लिए मकर टेंथ एट्थ हाउस में है तो बहुत कष्ट होगा एट्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स पे। मगर जब ये एट्थ हाउस छोड़कर नाइन्थ हाउस में जाएंगे तब आपको लगेगा ओहो शनिदेव को बहुत बहुत नमन है, धन्यवाद है जो ये सब हुआ और ये भाव मेरा क्लीन हो गया। आई हैव नाउ रियलाइज दैट वॉट एवर वॉज नॉट सर्विंग पर्पज हैज गॉन आउट ऑफ माई लाइफ। शनिदेव लाइटेस्ट प्लैनेट है और सन से फार्देस्ट है, ब्लू इन कलर, लुक्स लाइक क्वीन इन द स्काई, ठीक है ना। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नम नमामि शनैश्चरम। ये शनिदेव का जो मंत्र है, ये शनिवार को सूर्यास्त के बाद अपने आप मन में पढ़ते रहना बहुत ज्यादा लाभकारी है। देखिए, तो फर्स्ट हाउस में जब शनिदेव होंगे तो जितना मैंने बताया इसके आप परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझेंगे, देखिए जब ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स में, जैसे मैंने सूर्य चंद्र गुरु बुध बृहस्पति शुक्र अभी तक बताया है और आज शनिदेव का बता रहा हूं, एक बात याद रखिएगा कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट में हर ट्रांजिट पे कोई सिग्निफिकेंट असर हो ये जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, महादशा अंतरदशा पर, जब उस पर बात करेंगे तो बताऊंगा। However, आप मुंडेल लेवल पे अपने करेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रांजिट को जरूर समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ है, ये सेकंड ईयर ऑफ लाइफ है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, सिक्स्थ ईयर है। मान लीजिए आपका किसी साल में ये साल वाला, ये भाव वाला साल है, तो क्या क्या एक्टिवेट होगा, ये भाव और यहां से त्रिकोण एक्टिवेट होगा। तो इन भावों में जब कोई प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तो आप समझिए ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट घटनाओं वाला होने वाला है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपका 29वां साल चल रहा है, 28th कंप्लीट एंड 29th रनिंग ईयर, तो 28th कंप्लीट कैसे होगा, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29वां यह साल चल रहा है। तो अब इस भाव में जो राशि है उस राशि में जब जब चंद्र शनि देव राहु गुरु या कोई भी प्लैनेट आएंगे, यहां पे आए या यहां पे आए या यहां से त्रिकोण यहां और यहां आए, मतलब ये एक्सिस एंड त्रिकोण में प्लैनेट आए तो सिग्निफिकेंट घटनाएं होंगी। घटनाएं हमेशा जब भी होंगी आप समझ लीजिए कि चार जो फॉर्मूले हैं उससे आगे कोई घटना नहीं होगी। क्या फॉर्मूले हैं, राशि चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव है, भाव और राशि राजसिक है कि तामसिक है कि सात्विक है, उसका तत्व क्या है, अग्नि तत्व है कि जल तत्व है कि वायु तत्व है कि पृथ्वी तत्व है, उसका
हमारे जीवन में जो महत्ता है वो आई टू आई वाली है या आई टू यू वाली है या आई टू ऑल वाली है, आई वर्सेस आई है या आई वर्सेस यू है या आई वर्सेस ऑल वाली है ना। तो जैसे मेष है, देखिए आगे पढ़ना आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा अगर अभी तक की पढ़ाई पे आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो मैं ये दावा करता हूँ कि जिसने अभी तक पढ़ाई कर ली है, अगले 8-10 वीडियो में आप अपनी कुंडली के ज़्यादातर जानने वाले सारे एस्पेक्ट्स को जान सकते हैं। देखिए कलयुग में गुरु अच्छा मिले बुरा मिले ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब टफ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मगर 100% किसी को मैंने फॉलो कर जाऊं ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको दूसरे एक हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से परमात्मा की ओर ले जाए। तो जो एक हाथ से हाथ पकड़े से मतलब क्या है, फिजिकल पकड़ना नहीं है, आप अपने गुरु से रिलेट करने में सक्षम होने चाहिए, आपकी कोई चीज़ उनसे मिलती जुलती होनी चाहिए, और मिलती जुलती हुई चीज़ वाला गुरु होगा तो कुछ ही देर में उससे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जैसे भाई आपके गुरु के भी कुंडली में छठा हाउस होगा ना, इस छठा हाउस और कन्या राशि, तो जो मैंने पेंडिंग कर्मा वाले वीडियो में कन्या राशि सुनिएगा बताया था कि उसमें तो हर कोई होता है, हर किसी के छठा हाउस है, जिस योर गुरु सो कॉल्ड और योर टीचर और एनीबडी और आई और एनीबडी हु इज अ सीनियर टू यू ऑन एनीथिंग हैज हिज सिक्स्थ हाउस, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष भगवान शिव ही वो हैं जो हमारे आदि योगी हैं और आदि गुरु हैं और हमारे गुरु हैं, ज्योतिषी गुरु है। आप स्वयं गुरु बनिए, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था आत्मो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, और दीपक ज्योति और ईश ईश्वर की ज्योति। इसी गोचर पे हम आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।